नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की शान कंगारू के बारे में। कंगारू मैक्रोपोडिडे परिवार के मार्सुपियल्स हैं और मैक्रोपोड्स का अर्थ होता है बड़े पैर वाले जानवर, और आम भाषा में इस शब्द का उपयोग इस परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति लाल कंगारू, साथ ही एंटीलोपिन कंगारू, पूर्वी ग्रे कंगारू और पश्चिमी ग्रे कंगारू का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और कंगारू ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मूल निवासी हैं, और ऑस्ट्रेलियाई सरकार का अनुमान है कि 2019 में कॉमर्शियल क्रॉप फील्ड्स में 42.8 मिलियन कंगारू रहते थे, जो कि 2013 की संख्या से कुछ कम है। और इनके बच्चे को जॉय कहते हैं, जो कि लगभग 9 महीने तक अपनी माँ की पेट में बनी थैली में रहते हैं, और एक बड़ा मेल 2 मीटर तक लंबा और 90 किलोग्राम वजन तक का हो सकता है। और इनके पिछले पैर बड़े शक्तिशाली होते हैं और छलांग लगाने के लिए अनुकूलित बड़े पैर, संतुलन के लिए लंबी मांसल पूंछ और छोटा सिर होता है। अधिकांश मार्सुपियल्स की तरह मादा कंगारुओं में मार्सुपियम नामक एक थैली होती है, जिसमें बच्चा अर्थात जॉय जन्म के बाद पूर्ण विकास करता है। और अपने चरने की आदतों के कारण कंगारू ने विशेष तरह के दांत विकसित किए हैं, जो कि मैमल्स में दुर्लभ हैं। और कोआला के साथ कंगारू ऑस्ट्रेलिया के सिंबल हैं। जंगली कंगारुओं को मांस, चमड़े की खाल और चरागाह भूमि की रक्षा के लिए आमतौर पर गोली मार दी जाती है। और दोस्तों, लाल कंगारू के लिए आरामदायक कूदने की गति लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कम दूरी पर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक भी जा सकते हैं। और इनका पेट मवेशियों और भेड़ों से अलग होता है, इसमें 4 बॉक्स होते हैं, और इसकी सभी प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, हालांकि सबके अलग अलग आहार हैं। और इनके समूहों को मॉब, कोर्ट या मंडली कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर कंगारू के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फटाफट बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।